हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हाडी। जय हिंद। आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल मैं हूँ एविश रजवी और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ डंकी का। शाहरुख की इस फिल्म का इंतजार सभी को था और काफी लंबे समय से था, क्योंकि शाहरुख के कमबैक की ये तीसरी हैट्रिक है जिसमें उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी चर्चा में रहा है। और इसके चर्चा में रहने का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था राजकुमार हिरानी। हिरानी अपनी अलग तरीके की फिल्मों के लिए फेमस रहे हैं। उनके फिल्मों में कॉमेडी होती है, इमोशंस होते हैं, परिवार होता है, बहुत सारी चीजों का वो एक कॉकटेल लेकर आते हैं और उस कॉकटेल का मजा सबको आता है। फिलहाल ये फिल्म किस तरीके की बनी है, इस फिल्म से क्या उम्मीदें थी, इस फिल्म से क्या उम्मीद की जा सकती है और ये आपको देखने जाना चाहिए या नहीं, हम बात करेंगे उस बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कहानी की। कहानी तीन दोस्तों की, मन्नू, बल्ली और बुग्गू। मन्नू बनी है तापसी पन्नू, बल्ली के किरदार में है अनिल ग्रोवर और बुग्गू के किरदार में है विशाल कोचर। अनिल ग्रोवर को आप शायद थोड़ा थोड़ा जान गए होंगे नाम की वजह से। अनिल ग्रोवर और सुनील ग्रोवर सगे भाई हैं और अनिल शायद बड़े भाई हैं उनके। फिल्म में उनका काम काफी सराहनीय रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर सारे ही किरदार बहुत अच्छे रहे हैं। वो ये तीनों के तीनों लोग लंदन जाना चाहते हैं और इन तीनों की अपनी अपनी वजह है जो कि आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, हम सब एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं और बहुत सारे स्ट्रांग रीजंस होते हैं। कई बार वो वजह उतनी भी मजबूत नहीं होती, लेकिन हमारी परिस्थितियां कुछ इस तरीके की होती है कि हमें वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वैसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हुआ है। फिलहाल ये तीनों अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह से लीगल तरीके से वहां चले जाएं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। और इस बीच इनका एक और साथी है सुखी, जो जिसका किरदार निभाया है विकी कौशल ने। विकी कौशल एक छोटे से रोल में है लेकिन वो पूरे टाइम आपको बांध के रखेंगे। स्पेशल अपीयरेंस है और उनकी कॉमिक टाइमिंग के तो कहने ही क्या, मजा आ जाता है। उसके बाद एंट्री होती है शाहरुख खान के किरदार की हाडी की। हाडी हरदयाल सिंह ढिल्लों है उनका पूरा नाम, और इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लालटू आते हैं किसी वजह से। कोई खास वजह होती है उनकी भी जिंदगी की कि उन्हें लालटू आना पड़ता है, और वो इन तीनों की जिंदगी से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि उनको लंदन भेजने का जो ख्वाब है वो सिर्फ इन तीनों का अपना अपना नहीं रह जाता, वो हाडी की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब मैं इन तीनों को लंदन भेजूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हो जाए। फिल्म उसी के ऊपर आधारित है कि ये लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या स्ट्रगल करते हैं, पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, और कुछ कुछ लोग जो वहां पे ऑलरेडी हैं या जो वहां पे पहुंच चुके हैं उन्होंने क्या क्या सामना किया, क्या क्या मुश्किलें हुई। क्योंकि हमें हर चीज, इंग्लिश में कहावत है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हमेशा हमें दूर की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरे की थाली का लड्डू काफी बड़ा लगता है, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, वो सिर्फ एक वहम है। उतनी ही मेहनत, उतनी ही हिम्मत चाहिए होती है, और उसको पाने में हमें कितनी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है हमें अंदाजा भी नहीं होता। फिलहाल कहानी मुख्तसर सी इतनी ही है, क्योंकि बाकी अगर मैं ज्यादा आपको बताऊंगी तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, और स्पॉइलर देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप इस फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर देखें, एक पारिवारिक फिल्म है। बात कर लेते हैं अब राजकुमार हिरानी की। राजकुमार हिरानी की फिल्मों की खासियत रही है कि वो आपको बहुत ज्यादा मैसेज ओरिएंटेड मूवीज बनाते हैं, लेकिन वो आपको भारी महसूस नहीं होने देते। उनकी फिल्म में जो मैसेज होता है, जो तकलीफें होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी जब फिल्म देख लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि यार कुछ कुछ तो बहुत बुरा सा हो गया या कुछ तो बहुत दिल पे बोझ हो गया, वो सारी चीजें नहीं है इस फिल्म में। लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा निराश किया है। मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी थ्री इडियट्स जैसी मूवी की। थ्री इडियट्स में अली फजल का एक बहुत छोटा सा किरदार था जिसमें वो बहुत शुरू में ही सुसाइड कर लेते हैं। वो किरदार आपको अब तक याद है, मुझे अब तक याद है, और जिन लोगों ने वो फिल्म देखी होगी उन्हें भी याद होगा।
लेकिन उस इमोशनल टच की, किरदारों से उस जुड़ाव की कहीं कमी इस फिल्म में मुझे महसूस हुई। मैं इन लोगों की जर्नी को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानना चाहती थी। मैं जानना मतलब ऐसा था कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली और उन्हें कितनी तकलीफ हुई, उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिए, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, बुढ़ापे में क्या चीजें हुई, या फिर वो जो अगर छोटा सा टाइम फ्रेम भी उन्होंने अगर दिखाया है, उस छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर उन कैरेक्टर्स का इमोशनल डेवलपमेंट क्या हुआ, उन चीजों की थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हुई। हालांकि एक्ट्रेस इतने बढ़िया थे, तापसी पन्नू जैसी बेहतरीन अदाकारा है, शाहरुख खान तो है ही है। एक और खास बात भी मैं वो देना चाहूंगी, यहाँ मैं हीरानी साहब की थोड़ी सी तारीफ भी करना चाहूंगी कि फिल्म में शाहरुख खान जैसा बड़ा किरदार होने के बावजूद, एक बहुत बड़ा हीरो होने के बावजूद, हर फ्रेम में उन्होंने उन पर फोकस नहीं किया है। ये कहानी जितनी हार्डी की है उससे कहीं ज्यादा मन्नू की है, बल्ली की है, बुगू की है, सुखी की है। ये कहानी उन सभी लोगों की है जो घर से दूर जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें घर नहीं पसंद, इसलिए उन्हें कि अपने घर से बहुत मोहब्बत है, वो उस घर को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जहां वो मौजूद हैं इस वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि हम वहां रहते रहते ये सब नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, मतलब इसमें लगने जैसा कुछ नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। फिलहाल वापस आते हैं राजकुमार हिरानी के ऊपर। ये वाली चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट की कि मुझे उन कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा और जुड़ना था, मुझे उन कैरेक्टर्स को थोड़ा और गहराई से जानना था। लेकिन उसके बावजूद सभी ने अपना बहुत अच्छा काम किया है, सभी का काम बहुत अच्छा रहा। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक के। फिल्म का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा और कहीं बेहतर इंस्पायर हो सकते थे, किसी अच्छी जगह से इंस्पिरेशन ले सकते थे वो, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक ऐसा है कि आपको बहुत लंबे वक्त तक याद रहने नहीं वाला है। एक दो इसमें रोमांटिक ट्रैक्स भी हैं, वो रोमांटिक ट्रैक भी आपको बहुत लंबे वक्त तक याद नहीं रहेंगे। आई थिंक थोड़े बहुत टाइम में 2-3 बार सुन के आप उन्हें भूल जाना पसंद करेंगे। एक गाना है जिसने मुझे बहुत ज्यादा टच किया और जिसकी हर लिरिक्स, शायद जावेद अख्तर साहब ने उसकी लिरिक्स लिखी हैं, है निकले थे हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। वो गाना सुन के कोई भी आम इंसान रो पड़ेगा, क्योंकि ये हर भारतीय की, मैं बल्कि भारतीय ने, ये दुनिया में रहने वाले हर शख्स की हकीकत है कि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अपने घर से दूर हो जाते हैं। कई बार हमारा पूरा घर ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, हमारे जॉब की वजह से, हमारे फादर की जॉब की वजह से, हमारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और उसके बाद हमें वो घर बहुत याद आता है जहाँ हमने थोड़ा सा भी खुशी का वक्त बिताया होता है, वो चीज, वो जगह हमारे लिए घर बन जाती है, और फिर वो घर हमेशा हमारे दिल में बसा रहता है जो कि हमें याद आता रहता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और चीज जो पर्सनली महसूस की मैंने, और जो लगा कि हिरानी जी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है इमिग्रेशन का। अगर देखा जाए तो हम सभी रिफ्यूजीज हैं, हम सभी बंजारे हैं, और जो ये हम अपने छोटे छोटे शहरों से, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर आके बस जाते हैं, इन बड़े बड़े शहरों में आके जॉब करने लगते हैं क्योंकि हमें एक बेटर सैलरी की उम्मीद होती है, हमें लगता है कि हमारी तनख्वाह थोड़ी बेहतर होगी, हमारी जिंदगी थोड़ी और बेहतर हो जाएगी, शायद हम मूंगफली खाते हैं और वो मूंगफली की जगह बादाम ले लेगा अगर हम यहाँ पर इन बड़े शहरों में आकर नौकरी करेंगे, और कई बार ये सच भी होता है। लेकिन उस मूंगफली से बादाम काजू तक का प्रमोशन पाने के लिए, उस लेवल तक आने के लिए पीछे हम क्या क्या छोड़ देते हैं, हमें खुद को अंदाजा नहीं होता, और कई बार जब अंदाजा होता है तो बहुत देर हो जाती है। हम अपने ही शहर में गाँव से शहर आते हैं, फिर उस छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, और उन बड़े शहरों से और भी बड़ी मेट्रो सिटीज में जाने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी में कुर्बत हो तो वो सोचता है कि हम बड़े देश चले जाएं, वहां थोड़ा और बेहतर जिंदगी होगी। हालांकि जब हम अपने ही देश से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हालात उतने क्रूर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कभी दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेन्स देखें, या फिर बिहार से दिल्ली आने वाली, बंगाल से दिल्ली आने वाली ट्रेन्स देखें, तब आपको शायद वो बंजारेपन का जो दर्द है वो थोड़ा और गहराई से महसूस हो।
जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो कितनी तकलीफें झेल कर, वो कितनी बेइज्जती झेल कर, कितना ह्यूमिलिएशन झेल कर वो उन सफर को तय करते हैं और उसके बाद वो यहाँ आते हैं और अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ वैसा ही फिल्म में इन लोगों के साथ भी हुआ है कि हम अपने घर में तो राजा होते हैं, हम अपने घर में तो सबके दुलारे होते हैं, चाहे घर को आप गांव कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं, वहाँ सब लोग हमें जानते हैं, सब लोग हमें बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं जहाँ आपको कोई नहीं जानता, जहाँ पर कोई अपना नहीं है, तो वहाँ आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं और वहाँ आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इसीलिए ये फिल्म मेरे लिए थोड़ी और खास हो जाती है क्योंकि ये कहानी विदेश जाने के लिए जद्दोजहद करते हुए लोगों के साथ साथ उस तकलीफों को भी बयां करती है जो हम झेलते हैं। इसके अलावा फिल्म में एक बहुत फिल्म के एंड क्रेडिट्स में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें दिखाई गई। मतलब मैं काफी शॉक हुई। मूवी में कई जगह पर कई इमिग्रेशन के कई सारे प्रोसेस दिखाए गए कि जब लोग छुपके और मतलब इलीगल तरीकों से विदेश जाने की कोशिश करते हैं वहां पे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए, तो वो किन किन तरीकों को अपनाते हैं, किन किन जगहों पे छुपते हैं, किन किन चीजों में छुप के जाते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ये शायद इन्होंने फिल्मी लिबर्टी ले ली है और फिल्मी लिबर्टी लेने के लिए ये कुछ ऐसा दिखा रहे हैं इतना विभत्स। लेकिन एंड क्रेडिट्स में हमें असली तस्वीरें दिखाई गई और जिन्हें देखकर मैं एक मिनट को सहम गई कि क्या सचमुच इतना मुश्किल है, क्या सचमुच इतनी ज्यादा परेशानियां हैं देखने में और मतलब जाने के लिए करने के लिए। फिलहाल मतलब ये फिल्म आपको बहुत बहुत ज्यादा एक फनी मोमेंट्स भी देगी और उसके बाद एक बहुत ही गहरी इमोशनल जर्नी पर भी ले जाएगी। एक और बात जो बहुत ही अच्छी रही वो ये थी कि ट्रेलर ने हमसे जो प्रॉमिस किया था हमें वही देखने के लिए मिला। ट्रेलर में हमें कोई उम्मीद नहीं दी गई थी कि हमें कोई लव स्टोरी या कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शाहरुख और तापसी का एक रोमांटिक एंगल जरूर है लेकिन फिल्म उस पर फोकस नहीं करती है। फिल्म अपने टॉपिक के साथ ईमानदार रहती है। इमिग्रेशन का टॉपिक है और उसी के साथ ईमानदारी बरतती हुई दिखती है। उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई बार जब आपके पास एक इतना बड़ा हीरो होता है और एक इतनी अच्छी हीरोइन होती है तो डायरेक्टर थोड़े से लालची हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये भी दिखा लेना है, मुझे वो भी कर लेना है और जिस वजह से चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं। लेकिन वैसा नहीं हुआ है इस फिल्म के साथ। कुल मिलाकर आप जाइए फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ जाइए, परिवार के साथ जाइए। एक और बात, हाँ, कि अगर आप कहीं डाउटफुल हो कि फिल्म में कोई आपत्तिजनक संवाद या कोई सीन हो ऐसा जो आप परिवार के साथ या छोटे बच्चों के साथ ना देख सकें या थोड़ा ऑकवर्ड फील करें, तो वैसा कुछ भी नहीं है। पूरी फिल्म बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप इसे हर वर्ग के साथ एंजॉय कर सकते हैं और फिल्म जरूर देखें। देखकर आप भी बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। आपके रिव्यूज का और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी ताजा खबरों और देश और दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए मुस्लिम टुडे।